बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन इस बीच चर्चाओं में सम्राट चौधरी भी काफी आए। सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया और उनके साथ विजय कुमार सिन्हा को भी डिप्टी सीएम बनाया गया। सम्राट चौधरी की बात करें तो पहले वे राजद, जदयू जैसी बड़ी पार्टियों में भी रह चुके हैं। इस बीच अगर देखा जाए तो लालू तेजस्वी यह कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बड़ा नेता एनडीए तोड़कर उनके अपने साथ कुछ विधायक लेकर आता है तो उन्हें मुख्यमंत्री तक बना दिया जाएगा। अब यह बात सम्राट चौधरी भी देख रहे होंगे। नीतीश कुमार के भले ही पाला बदलने के बाद से सम्राट चौधरी को तरजीह मिली हो, उन्हें डिप्टी सीएम पद मिल गया हो, लेकिन अब भी वह ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे। ऐसे में उनके पास मुख्यमंत्री बनने का बहुत अच्छा ऑफर है। अगर हम आपको सम्राट चौधरी के कुछ अगर बीते इतिहास के बारे में बताएं तो इसमें कोई दोहराई नहीं कि वे बगावत करते हैं तो चौंकाने वाला फैसला नहीं हो सकता। दरअसल शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो की पत्नी राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री के रूप में राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। शकुनी चौधरी सेना के जवान रहने के बाद राजनीति में आए थे और उन्होंने कांग्रेस के सदस्य के रूप में अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की पार्टी में कई बार उन्होंने पाला बदला। सम्राट चौधरी 2005 में सत्ता से बेदखल होने के बाद काफी समय तक राजद के साथ रहे। सम्राट चौधरी साल 2014 में एक विद्रोही गुट का हिस्सा बन गए थे। वह जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली जदयू सरकार में शामिल हो गए थे। मांझी ने नीतीश कुमार के पद छोड़ने के बाद कुछ समय के लिए सत्ता संभाली थी। 3 साल बाद उनका जदयू से मोहभंग हो गया और वह भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने एक तेज तर्रार वक्ता और कोयरी जाति के बड़े नेता के रूप में उनकी क्षमता को पहचाना। भाजपा ने सम्राट चौधरी को प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया और बाद में उन्हें बिहार विधान परिषद में भेजा। साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में राजग की जीत के बाद उन्हें नीतीश कुमार सरकार में मंत्रिमंडल में जगह मिली। सम्राट चौधरी को पिछले साल मार्च में राज्य भाजपा कहीं ना कहीं अध्यक्ष नामित किया गया था और उन्होंने लोकसभा सदस्य संजय जायसवाल की जगह ली थी। नीतीश कुमार के मुखर आलोचक माने जाने वाले सम्राट चौधरी ने पिछले साल जदयू सुप्रीमो और भाजपा का साथ छोड़ने के बाद अपने सिर पर पगड़ी बांध ली थी और कसम खाई थी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ही इसे वह खोलेंगे। जी हाँ, जिस तरीके से अभी देख रहा आपने नीतीश कुमार को लेकर, अब वह अब बिल्कुल उनके साथ नजर आ रहे हैं। विभागों को लेकर भले ही बातचीत चल रही हो, लेकिन नीतीश कुमार को हटाने के बाद पगड़ी खोलेंगे और मौका बनना है लालू तेजस्वी और राबड़ी के साथ। पहले भी वह काम कर चुके हैं। अगर सम्राट चौधरी समय आरजेडी के साथ जाते हैं कुछ विधायक लेकर, कुछ मतलब 12 विधायक भी या 8-10 विधायक भी ले जाते हैं अपने साथ, और वहां महागठबंधन के आंकड़े जो इस समय 114 है, अगर उसको 122 कर देते हैं तो अच्छा मौका होगा सम्राट चौधरी के पास कि डिप्टी सीएम से सीधा सीएम बन जाए, क्योंकि उनकी दुश्मनी नीतीश के साथ है, लालू तेजस्वी के साथ इतनी नहीं है। अब देखते हैं सम्राट चौधरी का क्या फैसला होगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।